नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके, आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज मैं बात करने वाली हूं हाथी और उससे जुड़े कुछ टिप्स की। फेंगशुई टिप्स हैं ये, वास्तु टिप्स हैं ये, जिसको अपनाकर आप भी अपने घर में खुशहाली समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, हाथी वैदिक काल से ही इसे बेहद शुभ माना गया है। आप देखते भी होंगे मां लक्ष्मी की जितनी भी मूर्ति प्रतिमाएं आपको दिखती होंगी, उसमें दोनों तरफ हाथी उनकी सेवा में दिखाई देते हैं। अगर बात करें भगवान इंद्र की, स्वर्ग के राजा इंद्र की सवारी एरावत हाथी ही है, शुभता का प्रतीक है। हिंदू धर्म की बात करें या फिर बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में भी हाथी को बेहद पवित्र माना गया है। हाथी की पूजा हम भगवान गणेश के प्रतीकात्मक रूप से भी करते हैं। अगर हाथी हमें दिख जाए तो हम जय श्री गणेश करके उनकी पूजा करते हैं। तो बेहद पवित्र है हाथी, और हाथी को अगर आप अपने घर में रखते हैं पेंटिंग के तौर पर, किसी मूर्ति के तौर पर, तो ये आपके घर में भी खुशहाली सुख समृद्धि लेकर आता है। फेंगशुई विज्ञान हो या फिर वास्तु, इन दोनों ही जगहों पर हाथी को घर में रखना बेहद शुभ बताया गया है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप हाथी किन चीजों के लिए, किन चीजों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है हाथी और आपको रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इसी तरह की जानकारियां आपके लिए लेकर हर रोज उपस्थित रहती हूं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जितने वीडियोस मैंने अब तक भी बनाए हैं वो आपके लिए बेहद यूजफुल होंगे। आप एक बार देखें, देखने के बाद आपको पसंद जरूर आएगा, ऐसा मैं मानती हूं। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। छोटे छोटे उपाय मैं अपने चैनल में बताती हूं आपको, छोटे छोटे उपायों को करके भी इसमें किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर में जो चीजें मौजूद हैं उनसे आप छोटे उपाय कर, छोटे जो वास्तु के अकॉर्डिंग चेंजेस हैं उसको कर सुख समृद्धि खुशहाली ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि आप किस तरह के हाथी का प्रयोग कहां पर करें और उसका क्या फायदा आपको मिलेगा आपके जीवन में। सबसे पहले बात मैं करती हूं लाल रंग के हाथी की। अगर आप लाल रंग के हाथी को अपने घर में लाते हैं, वो आपके यश में, मान सम्मान, कीर्ति में इजाफा कराता है। तो लाल रंग का हाथी अपने घर लाएं, और जो भी लोग, यश कीर्ति किसे नहीं अच्छी लगती, सभी को पसंद है, सभी चाहते हैं, तो आप आज ही लाल हाथी घर लाएं जो लाल रंग की बनी हो। लाल आप मिट्टी की हाथी बनी हुई हो सकती है, पेंटिंग के फॉर्म में अगर आप लाते हैं तो लाल हाथी लाएं, और अगर फोटो इमेजेस आप लगाते हैं तो उसमें भी लाल हाथी लाएं। लाल हाथी आपकी यश कीर्ति में इजाफा कराता है। घर में अगर आप लाल हाथी की तस्वीर, पेंटिंग, मूर्ति कुछ भी रखना चाहते हैं, उसकी रखने की, जो व्यक्तिगत यश कीर्ति के लिए आप चाहते हैं या फिर अपने व्यक्तिगत किसी कार्यस्थल पर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए दिशा है वास्तु के मुताबिक, आपको दिशा दक्षिण में रखनी है। यही लाल हाथी अगर आप किसी कंपनी, किसी फर्म की उन्नति के लिए, उसकी यश कीर्ति के लिए आप रखना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं कंपनी में, तो आप दिशा का चयन उत्तर करें, उत्तर दिशा में रखें। उस कंपनी की, उस जो फर्म है उसकी यश कीर्ति चारों तरफ बहुत जल्द फैलने लगेगी और आपको इसका एहसास भी हो जाएगा। अब बात करती हूं मैं दूसरे तरह के हाथी के रखने की और उसके क्या फायदे आपको होते हैं, आपके जीवन में किस तरीके से वो खुशहाली लाती है। चांदी का हाथी, दोस्तों चांदी का हाथी बहुत ही पवित्र माना गया है ज्योतिष के मुताबिक भी। ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख है कि चांदी का हाथी अगर आप घर लाते हैं बेहद शुभ है, और इसे रखने की जगह खास बताई गई है, आप इसे अपनी तिजोरी में रखें, आप इसे अपने गले में रखें। और बांधने का जो तरीका है चांदी की हाथी आपने ली और उसे एक लाल कपड़े में आप बांध दें और उसकी पूजा पाठ, पूजा धूप दीप दिखाकर आप उसे अपनी तिजोरी में रख दें। आप अपने गले में, अगर व्यापार बिजनेस की पेस में आप रखना चाहते हैं, आप अपने गले पर रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे मां लक्ष्मी की असीम कृपा होती है आपकी तिजोरी और आपके जो गल्ला है, व्यापार जगत की जो चीजें हैं जहां पर आपने रखी है चांदी के हाथी, वहां पर लक्ष्मी स्वतः, पैसा स्वतः आकर्षित होगा। तो ये बहुत जरूरी है, आप जरूर ध्यान रखें और एक चांदी की, चाहे छोटी ही मूर्ति हो, आप अपने तिजोरी में जरूर रखें। अब बात करते हैं परस्पर प्रेम के बढ़ाने में कैसे हाथी आपका साथ देता है।
दोस्तों अगर पति पत्नी में किसी भी तरह का कलेश होता है, झगड़ा होता है, मनमुटाव हो जाता है, घर में जो पारिवारिक स्थिति है वो बेहद खराब हो जाती है। इसको भी ठीक करने के लिए आप हाथी के एक जोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथी का एक जोड़ा, चाहे वो संगमरमर की मूर्ति हो या फिर किसी पेंटिंग के फॉर्म में आप ले आए, किसी फोटो के फॉर्म में ले आए, आप पीतल की भी मूर्तियां ला सकते हैं। तरह तरह के हाथी बाजार में आपको मिलते हैं। हाथी का एक जोड़ा आपको अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में लगाना है और उसे लगाने की जो दिशा है उत्तर दिशा में आप लगाएं, जहां आपका बेड लगा है उसके उत्तर दिशा में लगाएं। आप देखेंगे इसके बाद जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच में वो दूर होने लगेंगे और जो आप दोनों के बीच संबंध है वो बहुत मधुर होगा। आगे मैं आपको बताऊं, बच्चों की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए भी हाथी आपकी सहायता करेगा। हाथी की मूर्ति, पेंटिंग, फोटो, तस्वीर, कुछ भी आप अपने घर लाएं और उसे स्टडी रूम में लगाएं। लगाने की दिशा भी मैं आपको बता देती हूं, उत्तर दिशा में लगाएं और उस स्टडी रूम में पढ़ने वाले बच्चों की बौद्धिक क्षमता में विकास आप देखने लगेंगे। आपको खुद ब खुद ये अंदाजा होने लगेगा कि बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, जो फोकस है पढ़ाई के लिए, वो बढ़ रहा है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा देते हैं, सफलता नहीं हासिल हो रही है, वो सफलता हासिल कर लेंगे। तो आप बच्चों के स्टडी रूम में भी हाथी का एक जोड़ा जरूर लगाएं। जिन लोगों को सफलता हर क्षेत्र में चाहिए, चाहिए उन्हें की सफलता उन्हें, चाहे वो काम के हो सिलसिले में, उनके घर के सिलसिले में, उनको तरक्की करनी है हर तरफ, तो ऐसे लोगों को सफलता के लिए हाथी लगाना चाहिए मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर आप हाथी सूंड ऊपर उठाते हुए लगाएं, माना जाता है ऐश्वर्य का प्रतीक होता है सूंड ऊपर उठाया हुआ हाथी, तो आप मुख्य द्वार पर लगाएं और देखिए किस तरीके से सफलता आपके जीवन के हर तरफ आपके कदम चूमेगी। हर दिशा में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, चाहे वो नौकरी हो, घर हो, परिवार हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं ये जरूर उम्मीद करती हूं कि हाथी से वास्तुशास्त्र और फेंगशुई के मुताबिक जितनी जुड़ी हुई जानकारियां मैंने आपको दी है वो आपके लिए आपके जीवन में जरूर उपयोगी साबित होगी। अगर आप उसे अपनाएं आप देखेंगे आपको फायदा इसका जरूर दिखेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के लोगों के साथ इसे शेयर भी करें और साथ में ये भी कहना चाहूंगी अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसी तरह की जानकारियां मैं अपने चैनल पर हर रोज आपके लिए लेकर आती हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी एक और बात जो मैं आज अपने दोस्तों से कहना चाहती हूं कि सुरक्षित रहें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अनलॉक वन में हम लोग सभी लोग बाहर निकल रहे हैं, तो ध्यान रखें, कभी कोरोना का जो कहर है वो खत्म नहीं हुआ है, तो हमें सुरक्षित रहना है। जो हैंड वॉश करने की बात कही जा रही है, मास्क पहनने की बात कही जा रही है, इन सब चीजों का बेहद ख्याल रखना है और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें लेनी है। दूसरे लोग भी ऐसे दिखे अपने आस के पड़ोस के, उन्हें भी समझाना है कि सुरक्षित किस तरीके से हम इस समय रह सकते हैं। गर्मी बहुत है, पानी बहुत ज्यादा पिए और इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा गर्मी में बच्चों को, और भी बच्चे वैसे भी बाहर नहीं जा रहे, नहीं जाने दें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की और तमाम जानकारियों के लिए आप मेरे YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटकी के साथ बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।